पोएट हैं और हिंदुस्तान के क्या दुनिया के मशहूर पोएट हैं, उन्हें उनका खिताब है खुदा सुखन यानी अल्फाज पैदा करने का, क्रिएटर ऑफ वर्ड। तो मैं उन पर रिसर्च कर रहा हूं और मैं किताब लिख रहा हूं कि 1000 टाइटल्स ऑफ इमाम हुसैन। और मेरी जो किताब है अभी कंपाइलेशन स्टेज में है और 2 या 3 महीने में किताब निकल आएगी। तो 1000 अलकाब तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उसमें से 100 अलकाब मैं पढ़ूंगा और आपको सुनाऊंगा कि ये मेरा काम है, 2-3 साल की मेहनत है। अगर आपको अच्छी लगे, ये वो अलकाब हैं जो मीर अनीस ने इमाम हुसैन इस्लाम के लिए अपने मरासियों में और अपनी पोइट्री में इस्तेमाल किए हैं। ये मैंने उनके मरसियों से जब निकाले हैं, मैं पेश कर रहा हूँ। शह मशरकैन, नूर मशरकैन, शब्बीर, शह दिलगीर, शह वाला, शह उमम, शह आली, शह बेनजीर, शह आसमा हशम, शह आसमा मकाम, शह आसमा शरीर, शह अक्रम, शह अर्श विकार, शह अर्श नशीन, शह अर्श बारगा, शह अर्श शरीर, शह अर्श एहतशाम, शह आलम पना, शह आफाक, शह नामदार, शह अबरार, शह बेकस, शह जिनु बशर, शह आदम, शह मलक, शह गर्दू रकाब, शह गर्दू नशीन, शह ख्वाहर, शह सरपराज, शह खुश इकबाल, खुश अंजाम, खुश किसाल, खुश किरदार, खुश सयार, खुश रूह, खुश जाहिर, खुश बातिन, खुश अद, खुश कामत, खुश औकात, खुश फिक्र, खुशनुमा, खुश मिजाज, खुश सिफात, शह खुशनूद, जी विकार, जी शऊर, जी हशम, जी मरतबा, जी रुतबा, साहिब इकबाल, साहिब तख्त, साहिब ताज, साहिब शमशीर, साहिब तौकीर, साहिब करम, साहिब किरदार, साहिब इज्जत, साहिब शौकत, साहिब हिम्मत, साहिब शजात, साहिब गैरत, साहिब लश्कर, साहिब इंसाफ, साहिब मिराज, साहिब जौहर, साहिब हया, इमाम इब्ने इमाम, सखी इब्ने सखी, सादिक इब्ने सादिक, असद इब्ने असद, शहीद इब्ने शहीद, शेर खुदा इब्ने शेर खुदा, उकदा कुशा इब्ने उकदा कुशा, करीम इब्ने करीम, वली इब्ने वली, मुश्किल कुशा इब्ने मुश्किल कुशा, खुर्शीद जमीन, खुर्शीद फलक, खुर्शीद मक्का, खुर्शीद यसरब, खुर्शीद मुनव्वर, खुर्शीद करबला, फख्र आदम, फख्र नूह, फख्र ईसा, फख्र मरियम, फख्र सुलेमान, फख्र अंबिया, फख्र अरब, फख्र रूम, फख्र अजम, फख्र दो जहां, फख्र शेर हक, फख्र खानदान नबियो अली। तो ये अलकाब है, मैं 2 बंद भी पेश करूंगा, 2 बंद 5 मिनट नहीं लगेंगे अगर आपकी इजाजत हो तो, क्योंकि अभी इतने नाम पढ़े तो शेर जो उन्होंने लिखे इमाम हुसैन इस्लाम की शान में, वो भी तो मैं आपको 2 शेर सुना दूं। देखिए, कैरेक्टर एनालिसिस से कहते हैं किरदार निगारी, यानी किरदार बताना। उर्दू शायरी में किरदार निगारी करने वाले सबसे पहले शख्स हैं मीर अनीस, उनसे पहले किसी ने किरदार निगारी नहीं की। ये देखे, महफिलों में और मस्जिदों में, घर में तो आदमी का किरदार अलग होता है, लोगों में, दोस्तों में, लेकिन जंग में किस तरह से इमाम हुसैन का किरदार मीर अनीस ने लिखा है। जब जंग चल रही है, जंग अपने एकदम उरूज पे है, और किससे लड़ रहे हैं, जिन्होंने इमाम हुसैन के बेटों को मारा है, भाइयों को मारा है, दोस्तों को मारा है, उन कातिलों के साथ इमाम हुसैन की जंग है। तो उनके दरमियान इमाम हुसैन ने अपना किरदार कैसे दिखाया, मीर साहब बताते हैं, कहते हैं लड़ते थे मगर गैस से रहमत थी ज्यादा, लड़ते थे मगर गैस से रहमत थी ज्यादा। ही वॉज फाइटिंग, हिज ब्रेवरी वॉज एट हिज पीक, बट हिज लव हैडन्ट बीन यूज्ड। लड़ते थे, हिज एंगर वॉज लेस एंड हिज मर्सी वॉज मोर। लड़ते थे मगर गैस से रहमत थी ज्यादा, शफकत भी न कम थी जो शजाअत थी ज्यादा। हिज ब्रेवरी वॉज एट हिज पीक बट लव हैड इंट्रोड्यूस, शफकत भी ना कम थी जो शजाअत थी ज्यादा, नाना की तरह खातिरे उम्मत थी ज्यादा, नाना की तरह खातिरे उम्मत थी ज्यादा, बेटों से गुलामों की मोहब्बत थी ज्यादा। और 2 मिसरे जो बैत में दिए हैं मीर साहब ने, 2 मिसरों में जिहाद किसे कहते हैं, मीर अनीस ने बता दिया कि जिहाद किसे कहते हैं। मीर साहब ने 2 मिसरों में कह दिया कि तलवार ना मारी, इमाम हुसैन ने तलवार ना मारी जिसे मुंह मोड़ते देखा, द पर्सन हू रैन, पर्सन हू डिड वॉन्टेड टू लिव एंड डिड वॉन्ट टू फाइट, इमाम हुसैन डिड किल, तलवार न मारी जिसे मुंह मोड़ते देखा, आंसू निकल आए जिसे दम तोड़ते देखा, एंड इवन द पर्सन हू ही किल, इवन व्हेन ही डाइड इमाम हुसैन इवन क्राइड फॉर हिम, तलवार न मारी जिसे मुंह मोड़ते देखा, आंसू निकल आए जिसे दम तोड़ते देखा। आखिरी बंद, और उन्होंने सर ने कहा इमाम हुसैन को कसूरवार माजल्ला कहकर शहीद किया था, तो मीर साहब ने
अजीब मिसरा कहा है और अजीब 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 बंद लिखा है, कहते हैं कि चरखो नुजूमो शमसो कमर शहरो दश्तो दर। चरखो मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि एक वर्ड में क्या क्या छिपा है, अगर आप बाद में मुझे पूछना चाहे तो मैं आपको बता भी दूंगा। चरखो नुजूमो शमसो कमर शहरो दश्तो दर, संगो मादिनो सदफो कतराओ गोहर, अशजारो शापो बरगो गुलो गुंचाओ समर, अशजारो शाखो बरगो गुलो गुंचाओ समर। और जिसने हज किया है, जो मक्के गए वो इस मुंह में से इस मिसरे को ज्यादा समझेंगे। रुकनो मकामो बापो मिना जमजमो हजर, रुकनो मकामो बाबो मिना जमजमो हजर, जिन्नो मलक हैं इंस हैं गलमानो हूर हैं, कह देंगे सब के इब्ने अली बेकसूर हैं, कह देंगे सब के इब्ने अली बेकसूर हैं।